निहारिका फ्रॉम फ्रेम गुरुगुरु इंटरनेशनल स्कूल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे स्कूल में हो रहे हैं क्रिकेट मैच, तो यहाँ पर है दो फाइनल टीम, शौर्य हाउस टीम एंड अशोक हाउस टीम। तो देखिए आप बच्चे कितने जोश के साथ खेल रहे हैं और ये आउट। तो चलिए हम टीचर से कुछ जानते हैं। जय हिंद, वी आर विद भरत सर। सो सर बताइए आप किस तरह की एक्टिविटी करा रहे हैं, किस तरह का टूर्नामेंट करा रहे हैं? ओके, जय हिंद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे स्कूल मैच इंटर हाउसेस क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे हमारे स्कूल में जो हाउस सिस्टम है, चार सिस्टम है, परम, शौर्य, अशोक एंड महावीर, तो इनके बीच में हम क्रिकेट टूर्नामेंट करा रहे हैं। दो सर लेटेस्ट अभी फाइनल हो रहा है अशोक और शौर्य के बीच में। ये बच्चों में एक उत्साह और हाउस डिकोडिंग अकॉर्डिंग हो रहा है मैच, ताकि बच्चों में खूब उत्साह हो रहा है। देख सकते हैं आप बच्चे बहुत उत्साहित है, और ऐसे हमें स्कूल में हर वेनेसडे थर्सडे को हम हाउस एक्टिविटी कराते रहते हैं। ओके, थैंक यू सर। तो हमें हाउस मास्टर मिस्टर राम बाबू सर के साथ उनकी टीम पहुंच चुकी है फाइनल में। चलिए जानते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। मैं किसी हाउस की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, और किसी हाउस के लिए बोल भी नहीं रहा हूँ, लेकिन ऐसे कॉम्पिटिशन स्कूल में होना चाहिए। हाउस वाइज अगर कॉम्पिटिशन हो गए तो बच्चों के अंदर कॉम्पिटिशन्स वाली भावना आएगी, और अगर बच्चों के अंदर कॉम्पिटिशन की भावना होगी तो वो चीज़ों को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो उनका डेवलपमेंट होगा तो वो कहीं ना कहीं लाइफ में आगे जाके सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे ही बनेंगे। तो सर ये गेम कैसा चल रहा है? ये गेम आप जैसे कि देख पा रहे हो, इसमें दो हाउस का फाइनल राउंड है। ये इसमें अशोक हाउस वर्सेज शौर्य हाउस है। अशोक हाउस अभी बैटिंग कर रहा है, शौर्य हाउस बॉलिंग पे है, और अशोक हाउस का हाउस मास्टर हूँ मैं। दरअसल गेम अच्छा चल रहा है, क्रिकेट के बारे में मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा चला, और हर स्कूल में करना चाहिए ऐसे ऐसे कॉम्पिटिशन, टाइम टू टाइम बहुत सारे होना चाहिए स्कूल। ओके, थैंक यू सर। तो आप जैसे देख सकते हैं कि जीवन सर है कमेंट्री पर, और अशोक हाउस चल रहा है बैटिंग पर, और शौर्य हाउस कर रहा है बॉलिंग। यहाँ पर बहुत जोरों शोरों से गेम चल रहा है, कोई कह रहा है हमारा हाउस जीतेगा, कोई कह रहा है हमारा हाउस अपने हाउस को अच्छे सबसे चीयर अप कर रहे हैं। और देखते हैं चलिए और क्या नज़ारा है हाउस में, और यहाँ पर सब खेल रहे हैं, और अनुज बैटिंग कर रहे हैं। अनुज की तरफ कैमरा फोकस कीजिए, और वहाँ वो बॉलिंग क्या देते हैं सर के साथ वो कर रहे थे अभी कमेंट्री। तो देखते हैं कि गेम में कैसा क्या चल रहा है, सर बताइए। गेम में जो है अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है। अशोक हाउस जो है कम रन पर है, और शौर्य हाउस लगता है कैसा जीत जाएगा, क्योंकि उन्होंने कम स्कोर पर उनको रोक लिया है। इसके अलावा कैसा लगने की बात है, तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे बचपन की यादें जो है वो ताज़ा हो रही है। जो एक्टिविटीज़ हम हमारे स्कूल में नहीं कर पाए थे, वो आज बच्चों के साथ में इंजॉय करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओके, थैंक यू सर। जैसे कि आप देख सकते हैं शौर्य हाउस की टीम बड़ी जोरों शोरों के साथ अपनी टीम के साथ डिस्कस करते हुए कि अब हम ही जीतेंगे, और यहाँ पर अशोक हाउस पूरे टक्कर में उनके साथ चलते हुए हम देखते हैं कि कौन जीतता है, कौन हारता है। धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं हेमंत कर रहे हैं बैटिंग और बॉलिंग कर रहे हैं अश्विन। यहाँ पर अश्विन की कुछ ठीक से बॉल नहीं जा रही है, और हेमंत अपने कुछ सिक्स कुछ भी नहीं मार पा रहे हैं, उनकी बॉल सीधी वाइड जा रही है। देखते हैं कि आगे क्या होता है, आप मैच को देखते रहिए। ये बॉली पहली बॉल में आउट। आपकी टीम का भी एक बल्लेबाज आउट हुआ है, जिसने स्कूल के बाहर गेंद पार कर दी है। जैसा कि आपको याद ही होगा कि यदि बाहर गेंद जाती है तो बल्लेबाज आउट भी होता है, और साथ में माइनस चार रन भी होते हैं। आपकी टीम को जीत के लिए लगभग 7-8 रनों की आवश्यकता थी, अब 12 रन पहुंच गया है, आपको कैसा फील हो रहा है? नहीं, जाहिर सी बात है कि काफ़ी निराश हुई इस प्रदर्शन से, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर शेर को पालोगे तो खर्चा तो होगा ही सही। अभी तक जितने रन बने हैं, काफ़ी अच्छा योगदान रहा है हमारे बैट्समैन का उसमें, और छोटी मोटी गलतियां हैं, ये खेल है, इसमें होता रहता है। आपको क्या लगता है आपकी टीम आज विजय होगी? विजय होना या ना होना ये तो बात की बात है, लेकिन लड़ेंगे जोर से। कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो आपको बहुत कि आपकी टीम का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा चल रहा था, फिर भी सामने वाली टीम के काफ़ी रन बन रहे थे। आपके चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी, जैसे ही गेंद पार हुई, विकेट गया, -4 हुआ, आप खुशी से झूम उठे, कैसा फील हो रहा है आपको? सर ज़्यादा कम नंबर तो होते रहते हैं, लेकिन बीच में जो शौर्य हाउस की टीम है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे हमारी टीम ने जब प्रेशर बढ़ा तो वो अच्छा करने लग गई। तो आज अभी की डेट में अगर देखें, अभी आज तो अच्छा खेल रहे हैं अशोक हाउस वाले। क्या लगता है आपको, आपका अशोक हाउस जीतेगा? डेफिनेटली जीतेगा। आपको अभी तक आपको अभी से शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जैसा कि आपने देखा राम बाबू सर में और जीवन सर में अपनी टीम के प्रति काफी उत्साह है, और देखते हैं कि उनकी टीम जीत पाती है या नहीं। अभी बैटिंग पर है सीनियर हरिओम, और बॉलिंग पर है पीयूष भैया। भावेश रनअप के लिए तैयार है, और वो अपने बैट को लेकर तैयार है। समझता है हरिओम, समझ नहीं पा रहा कि कैसी बॉलिंग हो रही है।
ये तो बस भावे समझता है या बस एम भावेश की एक और बॉलिंग और ये इनका फोन खेल दिया है शॉट मिस फील्डिंग हो गई है यहाँ पे एक रन दौड़ के ले लिया इन्होंने बहुत ही जोरदार स्टार्ट हो चुका है और बैटिंग पे सीनियर हरिओम और सीनियर पीयूष यहाँ पर बॉलिंग कर रहे हैं देखिए कौन कैसा प्रदर्शन करता है दीवाना था कभी मेरा दीवानी है आपकी तालियां की आवाज नहीं आ रही मुझ तक तो यहाँ 5 ओवर के लिए पीयूष भैया रेडी धर्मेश सर के साथ कर रहे डिस्कशन हरिओम अपनी कमर थोड़ा झुकाए एम्पायर को कुछ दुविधा है टीम।